नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारी बार बैक बीप होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है और कौन कौन से मेथड होते हैं बार बैक बीप को बनाने के लिए। और गाइस, यदि किसी भी बार बैक क्लॉथ में यदि हम बार में दो कलर यूज करते हैं तो जो हमारे कपड़े का लुक है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और गाइस, एक रिक्वेस्ट और आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है बार बैक वीव और बार बैक क्लॉथ। मतलब जो बार बैक क्लॉथ होता है या बार बैक वीव होती है वो क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। तो गाइस, देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए गाइस, जो अपनी बार बैक वीव होती है तो उसमें जो एक इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या होता है उसके अंदर। इन दिस बीम टू सीरीज ऑफ बार एंड वन सीरीज ऑफ वेव गेट यूज्ड। मतलब जो बार बैक क्लॉथ होता है या बार बैक वीव होती है उसके अंदर बार की दो सीरीज चलती हैं और वेव की एक सीरीज प्रयोग की जाती है। दिस बीम इज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग टू डिफरेंट वीव्स। गाइस, जो अपनी बार बैक वीव होती है तो उसको हम जब बनाते हैं तो दो वीव का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, दो बीप को कंबाइन करते हैं, तभी आपकी बार बैक बीप बनती है। द बार फेस्ड बीप इज सिलेक्टेड फॉर फेस साइड। गाइस, क्या करते हैं कि जो फेस साइड होता है हमारा कपड़े का, उसके लिए बार फेस्ड बीप ली जाती है। मतलब इस तरीके की बीप जिसमें बार के धागे ज्यादा ऊपर होते हैं तो उस तरीके की बीप लेते हैं। और वेब फेस्ड बीप इज सिलेक्टेड फॉर बैक साइड ऑफ द फैब्रिक। जो बैक की बीप लेते हैं गाइस, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको वेब फेस्ट कोई वीव लेते हैं। मतलब ऐसी वीव जिसके अंदर आपके जो धागे हैं वेफ्ट के जो ज्यादा ऊपर दिख रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेब फेस्ट वीव। तो उसी वीव को हम लेते हैं। दीज वीव्स आर वोवन ऑन डोवी लूम्स। गाइस, जो हमारा वेब क्लॉथ होता है या वेब वीव होती है तो उसको हम डोवी लूम पे बनाते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेब वीव गेट मोर प्रोमिनेंट वेन फेस बार एंड बैक बार हैव डिफरेंट कलर्स। तो गाइस, यदि हम जो बार बैक फैब्रिक होता है, बार बैक वीव होती है, उसके अंदर हम जो फेस बार है उसको अलग कलर दें और जो बैक बार है उसको अलग कलर लेते हैं, तो हमारा जो कपड़े का अपीयरेंस होता है या लुक होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होके निकलता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बार बैक वीव कैसे बनाई जाती है। आप यहां पर देख पा रहे हैं गाइस कि ये है आपकी दो वीव हैं, ये है आपकी फेस की वीव है, फेस साइड की वीव है। तो हमने कौन सी ली है, थ्री अप वन डाउन टू ली है। और गाइस, ये है आपकी बैक के लिए वीव ली है हमने, बैक साइड के लिए। तो ये है आपकी वन अप थ्री डाउन टू है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो फेस साइड की वीव होती है वो बार फेस ली जाती है। तो गाइस देखिए, यहां पर बार के धागे ज्यादा ऊपर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपके फेस साइड में यूज होगी, ये आपकी बार फेस्ड वीव है। और गाइस, जो बैक साइड है हमारा कपड़े का, उसके लिए हमने लिया है, ये है आपका वन अप थ्री डाउन टूल है। तो आप डिजाइन में देख पा रहे हैं कि जो बार के धागे हैं कम ऊपर दिख रहे हैं, बैक के धागे ज्यादा दिख रहे हैं ऊपर। देखिए गाइस, ये दिख रहे हैं बैक के धागे ज्यादा। तो ये है आपकी बैक फेस्ड वीव, तो इसको हमने लिया है बैक साइड के लिए। अब गाइस देखिए, यहां पर कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट होते हैं वो तो उतने ही लेते हैं जो हमारे बेसिक बीप्स में होते हैं। गाइस, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो फर्स्ट टाइप की बीप हम बना के दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या किया है हमने, देखिए यहां पर बार बैक बीप, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री अप वन डाउन एंड वन अप थ्री डाउन टूल भी। और गाइस, इसमें एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि ये थ्री अप वन डाउन भी
है और वन अप थ्री डाउन भी है, तो इन दोनों वीव के रिपीट साइज इक्वल है, बराबर रिपीट साइज है, यानी कि चार बाई चार में बनेंगे दोनों। तो गाइस अब यहां पर देखिए, ये हमने आपको एक वीव बना के दिखाई हुई है, ये है आपकी वीव। तो गाइस हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट होते हैं वो तो आपके फोर हो गए, जो आपकी बेसिक वीव्स थे दोनों उन्हीं के बराबर हो जाएंगे, आपके बेसिक वीव्स में भी फोर पिक्स हैं। और गाइस इसमें जो नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट होंगे वो आपके डबल हो जाएंगे बेसिक वीव के। तो गाइस यहां पर देखिए आप, यहां पर नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट कितने हैं, एक दो तीन चार, इसमें भी है एक दो तीन चार। तो क्या होगा आपकी जब बैक वीव बनेगी, बार बैक वीव बनेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट होंगे वो डबल हो जाएंगे। देखिए गाइस कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब इसमें गाइस अरेंजमेंट देखिए, जब आप कपड़ा बनाएंगे तो कैसे अरेंजमेंट होगा बार्ब का, देखिए एक धागा आपका फेस का जाएगा, एक बैक का जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो नंबरिंग की हुई है F1, F2, F3 और F4 है, ये आपके फेस के एंड है, और B1, B2, B3 और B4 है, ये आपके बैक के एंड है। तो गाइस इनको हम ऑल्टरनेट ऑर्डर में लेते हैं, मतलब एक फेस एक बैक, एक फेस एक बैक, एक फेस एक बैक, एक फेस एक बैक, तो आपके कितने एंड हो गए, आठ एंड हो गए। तो गाइस अब इसमें हम कैसे बनाते हैं, तो गाइस इसका बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी जो बेसिक वीव है जो फेस के लिए है, तो उसको हम फेस एंड के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब फेस एंड के ऊपर कॉपी करेंगे। देखिए गाइस ये है आपकी, ये आपका थ्री एफ है, यहां देख पा रहे हैं आप, तो इस थ्री एफ को हम क्या करेंगे, यहां पे हमने पहले फेस एंड पे कर दिया यहां पे, फिर इसके बाद देखिए ये यहां पे थ्री एफ है तो इसको हमने यहां पे कर दिया, ये देखिए गाइस ये थ्री एफ हो गई। इसके बाद में फिर देखिए अब ये आपका जो तीसरा वाला एंड है, ये देखिए यहां पे वन अप वन डाउन टू अप है, तो इसको हमने यहां पे वन अप वन डाउन टू अप कर दिया। अब इसके बाद में ये वाला देखिए, ये टू अप वन डाउन वन अप है, तो इसको हमने कर दिया आपका टू अप वन डाउन वन अप। तो आपका इस तरीके से जो फेस के धागे थे उनकी लिफ्टिंग आपको यहां पे मिल गई। अब गाइस आपको जो बैक की लिफ्टिंग भरनी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप बैक की वीव को देखिए, ये देखिए तो ये आपकी कैसे चल रही है, वन अप थ्री डाउन, तो हमने यहां पे देखिए वन अप थ्री डाउन कर दी, ये बैक वाले एंड पे करेंगे हम, क्योंकि बैक की वीव भर रहे हैं, फेस वाले पे हमने फेस की वीव भरी थी, यहां पे देखिए ये फेस था ये फेस था ये फेस था ये फेस था, अब हम बैक की वीव भर रहे हैं, तो यहां पे वन अप हो गया। तो इसके बाद में गाइस देखिए आपका ये यहां पे देखिए कैसे वन डाउन वन अप टू डाउन, तो यहां पे देखिए वन डाउन वन अप टू डाउन, इसी तरीके से ये देख लीजिए टू डाउन वन अप वन डाउन, फिर ये देख लीजिए थ्री डाउन वन अप, तो आपकी जो वीव है जो बार बैक वीव है वो बन के तैयार हो जाती है गाइस। अब इसका यदि आप ड्राफ्ट निकालेंगे तो ड्राफ्ट निकालने पे क्या होगा, आप यहां पे देख पा रहे हैं ये ड्राफ्ट दिया है मैंने, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहां पर ड्राफ्ट। तो गाइस है क्या इसमें कि आपकी जो पूरी वीव है इसके अंदर किसी भी एंड की लिफ्टिंग किसी दूसरे एंड से मैच नहीं कर रही है, देख लीजिए ये थ्री अप वन डाउन है, तो पूरे वीव के अंदर आपको यहां पे थ्री अप वन डाउन नहीं मिलेगा। तो इस फ्रेम में हो गया एक नंबर में, इसके बाद में ये वाला इसकी कहीं नहीं मिल रही तो ये दूसरे में होगा, इस तरीके से आपके सारे के सारे एंड है, तो इसमें कितने एंड है, आठ एंड है, तो आठ फ्रेम में भरे जाएंगे, आठ शाफ्ट में भरे जाएंगे। गाइस देखिए आपका ड्राफ्ट क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया ये, तो आपका जब ड्राफ्ट स्ट्रेट हो जाता है तो आपका पैक प्लान क्या होगा, तो आपका पैक प्लान होगा सिमिलर टू डिजाइन, इफ ड्राफ्ट इज स्ट्रेट द पैक प्लान गेट्स सिमिलर टू डिजाइन, तो आपका जो पैक प्लान होगा वो भी आपका ये जो वीव है या डिजाइन है इसके बिल्कुल सिमिलर होगा। गाइस अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब मैंने दूसरे तरीके से बना के दिखाई हुई है, बार्ब बैक वीव बनाई हुई है, उसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री अप वन डाउन ट्विल एंड वन अप थ्री डाउन रीअरेंज ट्विल। तो गाइस इसमें है क्या कि हमने जो बैक वीव थी उसको रीअरेंज कर दिया, देखो कैसे रीअरेंज किया है, यहां पर देखिए पहले ये तो आपकी फेस की वीव है फेस साइड की, और ये है आपकी बैक साइड की वीव जैसा कि ऊपर वाले डिजाइन में लिया हमने, बट इसमें क्या है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, आपकी रहेगी ये वन अप थ्री डाउन की ट्विल वीव,
बट इसको हमने रीअरेंज कर दिया, उसका रीजन भी बताएंगे हम आपको कि हमने रीअरेंज क्यों किया। तो गाइज क्या होता है कि जब हम रीअरेंज करते हैं तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर वन अप थी तो हमने तीन नंबर से ले लिया इसको वन अप, फिर यहाँ पर वन अप हो जाएगी तो ये कर दी हमने इसको, तो वन अप के बाद फिर ऊपर होगी तो ये एक यहाँ आ गई और एक ये यहाँ आ गई। अब इसको हमने इसलिए किया है गाइज कि इसको ये वाली थी जो, अब हम इसी को कॉपी करते जैसे हमने ऊपर की थी तो उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग के जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सही से अरेंज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कोशिश करी है कि आपके जो बाइंडिंग पॉइंट हैं उनको हम सही से व्यवस्थित करें, अरेंज करें, तो इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया टूल को। अगर ये यहाँ पे आ जाता, ये देखिए ये आपका पहला फेस होता, इसके बाद में ये वाला आता, तो ये आता तो यहाँ पे ये आपका जो है फ्लोट साइज आपका बड़ा होता यहाँ पे, तो ये अच्छा नहीं लगता और बाइंडिंग भी अच्छी नहीं आती, तो इसलिए हमने किया है। तो गाइस अब देखिए हम इसको बना के दिखा रहे हैं नीचे, तो आपकी जो बीप बनाई हुई है हमने ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाला ही तरीका है, कोई चेंज नहीं है। ये देखिए ये फेस के एंड है F1, F2, F3, F4 और ये B1, B2, B3, B4 ये आपके बैक के एंड है, तो नंबर ऑफ पिक्स 4 ही रहेगा और आपके एंड हो जाएंगे 8। अब इसमें आपको भरना है तो आपके यहां पर भी फेस के एंड है F1, F2, F3 और F4, तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारी बीप थी जो फेस की बीप है वो भर देंगे। देखिए 3F, तो ये 3F हो गया, ये 3F हो गया। इसके बाद में गाइस हम फिर क्या करेंगे, बैक के एंड भरते हैं, तो बैक के एंड के लिए हमने जो रीअरेंज टूल बनाई है उसको भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका देखिए ये एक नंबर का एंड है बैक का, वो तीन नंबर पिक पर अप है, तो हमने यहाँ पर देखिए ये आपका पहला बैक का एंड है और वो तीन नंबर पिक पर अप कर दिया, तो इसी तरीके से ये वाला यहाँ पे अप हो जाएगा, जो बैक का दूसरा एंड है ये B3 यहाँ पे अप हो जाएगा, ये यहाँ पे अप हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस क्या होगा कि आपकी जो बीप है बनके तैयार हो जाती है। और ये मैंने ड्राफ्ट बना के दिखाया हुआ है, आपका ड्राफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट आएगा क्योंकि किसी भी एंड की लिफ्टिंग आपस में मैच नहीं कर रही है, तो आपका ड्राफ्ट स्ट्रेट हो गया। और आपका जो पैक प्लान होगा गाइस वो भी आपका बिल्कुल सिमिलर टू डिजाइन होगा क्योंकि आपका ड्राफ्ट कैसा है, स्ट्रेट है, तो आपका पैक प्लान सिमिलर टू डिजाइन ही आएगा। देख लीजिए जैसा ये बना हुआ है वैसा ये बना हुआ है, बस क्या है ये हेड शाफ्ट की डायरेक्शन हो गई है और ये पिक की डायरेक्शन है और यहाँ पे क्या थी, ये एंड की डायरेक्शन थी। तो आपका जो पैक प्लान आएगा सिमिलर टू डिजाइन आएगा। गाइस अब एक और चीज मैंने आपको बना के दिखाई हुई है, अभी तक हमने जो दो भी बना के दिखाए आपको उनमें एक सिमिलरिटी थी, क्या सिमिलरिटी थी देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे जो रिपीट साइज था क्या है 4x4 का है, यहाँ पे देखिए रिपीट साइज क्या है 4x4 का है, ये भी 4x4 का है, यहाँ पे हमने लिया कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखिए ये भी 4x4 का है, चार ये हो गए, यहाँ पे भी देखिए 4x4 का है। तो आपने क्या किया कि दोनों बार जब डिजाइन बनाई है तो आपने रिपीट साइज को बिल्कुल इक्वल रखा है। अब आपको यदि कहीं पर भी अनइक्वल रिपीट साइज लेके कहीं पर बार बेड क्लॉथ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे हम बार बेड भी बनाएंगे यदि हमारी रिपीट साइज है वो अनइक्वल हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर बार बेड वीव, तो इसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनइक्वल रिपीट साइज टूल वीव। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वीव लिए हैं, ये 4x4 का साइज है इसका टूल का और डिजाइन है आपकी 3F बन डाउन की टूल, आप देख पा रहे हैं। और गाइस जो हमने यहाँ पे लिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फेस लिख गया है, दिस इज नॉट फेस वीव, दिस इज बैक वीव, ये बैक की वीव है, यहाँ पर फेस की जगह पर आप इसको बैक पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने ली है 3x3 की डिजाइन लिए, मतलब तीन एंड है और तीन पिक है, देखिए ये तीन पिक हो गए और ये तीन एंड हो गए। तो गाइस इसका रिपीट साइज कितना हो गया 3x3 का, इसका रिपीट साइज कितना हो गया 4x4 का। तो अब आप कैसे बनाएंगे जो बार बेड क्लॉथ होगा उसको कैसे बनाएंगे वीप को, तो गाइस देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं आप कैसे बनाएंगे। मैंने ड्राफ्ट भी बनाया है, पैक प्लान भी बनाया है, सब कुछ बना के दिखाया हुआ है। गाइस देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ एंड्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके डिजाइन में और नंबर ऑफ पिक्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके में। तो गाइस इसमें जो निकालने का तरीका होता है, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे वीव है दोनों, एक का रिपीट साइज 4x4 का है और एक का रिपीट साइज है 3x3 का,
तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एंड्स लेते हैं और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट लेते हैं कि जिससे कि हमारे दोनों वीव हैं उनके कंप्लीट रिपीट आए। कंप्लीट रिपीट का मतलब है जैसे कि आपका जो थ्री अप वन डाउन का वीव है फेस का, उसके भी पूरे रिपीट आने चाहिए, और आपके जो वन अप टू डाउन का जो है वीव है उसका भी पूरा रिपीट आना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैंने कितने लिए हैं, 24 तो लिए हमने पिक लिए हैं और 24 ही हमने एंड लिए हैं, तो इसमें से 12 बैक के हैं और 12 फेस के हैं। तो गाइस इस तरीके से आपके पूरे रिपीट आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कहीं पर भी तो आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका फेस का वीव है उसके देखो कितने रिपीट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिपीट आपके फेस के आ रहे हैं और आपके 8 रिपीट आ रहे हैं बैक के। देखिए यहाँ पे यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो गाइस ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितने हम इसमें एंड्स पर रिपीट लेंगे और कितने पिक्स पर रिपीट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आपके 12 फेस के लिए, 12 बैक के लिए और पिक्स लिए हैं 24। तो जब हम इतने एंड्स और पिक ले लेते हैं जो कि मैंने बताया आपको, तो उसमें हमारे सारे के सारे रिपीट आ जाते हैं कंप्लीट, कहीं पर भी कोई रिपीट कटता नहीं है। तो जब रिपीट नहीं कटेगा तभी आपका कपड़ा सही आएगा। तो गाइस इसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाला ही प्रोसीजर है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा आपको तरीका बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये आपका फेस का वीव है, तो फेस का वीव हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं और जो आपके फेस के एंड है ये देखिए ये फेस का एंड है, ये है जहां पर एफ लिखा हुआ वो सारे फेस के एंड है, तो उनमें हम वीव को फिलअप कर देते हैं। देखिए थ्री अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन, तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो डिजाइन है इसमें हमने थ्री अप वन डाउन की वीव भर दी है। तो जैसे कि आप वीव में देख पा रहे हैं यहाँ पे इसी के अनुसार भरी है मैंने। तो जब आपकी ये वीव भर जाएगी तो इसके बाद में फिर नंबर आता है आपका जो आपकी बैक की वीव है, तो बैक की वीव ये है आपकी, ये आपकी वन अप और टू डाउन, तो इसको भी गाइस हम यहाँ पे भर देंगे। देखिए कैसे भरी हमने, ये देखिए यहाँ पे वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन, तो इसको हम जैसे हमारा बीम में चला हुआ बेसिक बीम है जो हमारी, तो उसी के अनुसार हम भर देते हैं यहाँ पे जो हमने बैक साइड के लिए ली है, तो उसी के अनुसार हम भर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आपका ये जो बार बैक वीव है तो बन के आ जाएगा। तो इसमें खासियत क्या है कि हमने यहाँ पे जो रिपीट साइजेस लिए हैं वो अनइक्वल है, तो अनइक्वल का मतलब मैंने बताया है आपको, तो आप देख सकते हैं कि एक तो 4x4 का है, एक 3x3 का है। तो इस तरीके से आप 4x4 और 3x3 को कंबाइन करके भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया हुआ इसका ड्राफ्ट, तो इसके ड्राफ्ट में 7 हील शाफ्ट प्रयोग हुए हैं, मतलब 7 हील शाफ्ट में हमने धागे भरे हैं। और ड्राफ्ट देखिए गाइस कैसे चलता है, तो मैंने बना के दिखाया हुआ है। ये देखिए गाइस क्या किया है हमने कि जो हमारे धागे हैं तो उनको कैसे भरा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिए गाइस 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है। तो इनको हमने जो फेस एंड है उनके लिए यूज किया, और अपने जो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर है तो इनमें हम जो बैक एंड होते हैं उनको भरते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए 5, 6, 7, तो फिर यहाँ देखिए 5, 6, 7 और फिर आप यहाँ देखिए आपका 5, 6, 7 5, 6, 7, तो गाइस इस तरीके से तो आपकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो निकल के आ जाती है। और इसके बाद हमने यहाँ पर पैक प्लान बना के दिखा हुआ है, तो गाइस देखिए क्योंकि हमने हील शाफ्ट यूज किए हैं 7, तो हमें यहाँ पर लिफ्टिंग बनानी है सिर्फ 7 फ्रेम की 7 हील शाफ्ट की। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो अपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो हील शाफ्ट है तो उनकी हम यहाँ पे लिफ्टिंग बनाएंगे। देखिए गाइस जो हमारे फेस के धागे हैं किसमें भरे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में। तो ये देखिए ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये फेस 3 है, ये फेस 4 है, तो इनकी लिफ्टिंग उठा के हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और इसके बाद में फिर आपका आता है जो बैक वाले एंड है वो भरे आपके 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर में। तो अपना यहाँ पे देख लीजिए ये आपका बैक है, ये एक तो ये बैक है आपका और एक ये बैक है और एक ये बैक है, मतलब बैक 1 बैक 2
और बैक थ्री, तो इनको यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर में कॉपी कर देंगे, तो इस तरीके से आपका पैक प्लान बनके तैयार हो जाता है। तो गाइस देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और गाइस कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। और गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।